ये बता दें दर्शकों को कि नाम पर मोहर लग गई है राजनाथ सिंह के, यानी बीजेपी संसदीय बोर्ड की मोहर का मतलब है राजनाथ सिंह अब बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि औपचारिकताएं चंद मिनटों की हैं, जिसमें बकायदा एक नॉमिनेशन भरा जाता है। उस नॉमिनेशन में कम से कम 15 राज्यों के 20-20 नुमाइंदों के हस्ताक्षर रहते हैं, जो प्रपोजल करते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं या हम आपके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अध्यक्ष के लिए एक प्रक्रिया होती है और उस पर जो चुनाव अधिकारी जो बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत साहब हैं, वो देखेंगे परखेंगे और उसके बाद वो एक बार पूछेंगे क्या आप अपना नाम वापस तो नहीं लेंगे। तो जब वो बोलेंगे हाँ हम अपना नाम वापस नहीं लेंगे, तो राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर मौजूद वो आप नजर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। राजनाथ सिंह के नाम का मतलब याद कर सकते हैं 2005 में पहली बार तक 19 दिसंबर का वो वक्त था, 19 या 15 दिसंबर का वक्त था जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना प्रकरण में फंसे थे और संघ का बड़ा विरोध हुआ था। फिर 2006 में जब चुनाव हुआ तो राजनाथ सिंह ने बकायदा चुनाव लड़ा, अकेले थे, कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं था और 2009 तक रहे और 2009 में नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। और नितिन गडकरी जिस वक्त अध्यक्ष बने थे उस समय नितिन गडकरी के साथ साथ हर मुद्दे को लेकर राजनाथ सिंह इसलिए पीछे नजर आते थे क्योंकि जिसका जिक्र हमारे संवाददाता लगातार कर रहे हैं कि चाहे प्रबल हो चाहे अमिताभ हो, हर कोई यह कह रहे हैं कि जो D4 वाला पूरा किस्सा था, यानी RSS जिस D4 को हाशिए पर ले गया था जिसमें चार नेता थे, उन चार नेताओं में राजनाथ सिंह मौजूद नहीं थे। यानी दिल्ली की चौकड़ी को लेकर RSS का जो गुस्सा था उस गुस्से के घेरे में राजनाथ कभी नहीं थे। तो राजनाथ के लिए RSS का करीबी होना, लेकिन राजनाथ के लिए कैसे मौके पर इस वक्त कमान संभालनी है जिस मौके पर बीजेपी के ऊपर समूचे देश की नजर है कि क्या ये वाकई राष्ट्रीय पार्टी एकजुट होकर कांग्रेस का सामना करने के तैयार होने के साथ साथ मुद्दों को लेकर जनता के सामने भी आएगी और आपस में कोई सत्ता संघर्ष नहीं होगा। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर और बाहर इसलिए ज्यादा हैं जो कांग्रेस से सामने खड़े होने से पहले खुद को खड़ा करना है और ये एक सबसे बड़ी चुनौती राजनाथ सिंह के सामने जाहिर तौर पर होगी।